इसीलिए इसीलिए दुबे जी कहते थे कि नीच जाति में विद्या पाए भय हूँ जथा अही दूध पिलाए यानि कि नीच जाति के व्यक्ति को अगर शिक्षा मिल जाए शिक्षित हो जाए तो वो उसी तरह भयंकर हो जाएगा जैसे कि आपके द्वारा खुद किसी सांप को दूध पिलाया यानी कि आप अगर किसी नीच जाति के व्यक्ति को शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षा ग्रहण करने की करने की दे रहे हैं तो वो आगे चलकर आपको डस सकता है ये बात बहुत पहले दुबे जी ने कह रखी थी और हुआ वही अब बताइए तमाम एस सी एस टी ओ बी सी के लोग जिसे इन्होंने शूद्र कहा था नीचे जाती कहा था है, वो लोग शिक्षित हो गए और शिक्षित होने के बाद ऐसा परिवर्तन किया ऐसा ऐसा लगाया है बिल्कुल कि अब कहना पड़ा कहना पड़ा मोहन भागवत जी को कि जाति भगवान ने नहीं बनाई हमने पंडितों ने ब्राह्मणों ने बनाई है कहना पड़ा और वो भी कहाँ? जहाँ पर रविदास गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है वहाँ पर यह बात उन्हें कहनी पड़ी जो जिस रविदास ने खुद ब्राह्मणों के लिए ये कहा था कि ब्राह्मण झूठा होता है जीवन चार्य दिवस का मेला रे बामन झूठा वेद भी झूठा झूठा ब्रह्म अकेला रे मंदिर भीतर मूर्ति बैठी पूजती बाहर चेला रे लड्डू भोग चढ़ावती जनता मूर्ति के ढिंग के लारे पत्थर मूर्ति कछु नहीं खाती खाते बामन चेला रे जनता लूटती बामन सारे प्रभु जी ना धैला रे पुण्य पाप या पुनर्जन्म का बामन दीला खेला रे स्वर्ग नरक बैकुंठ पधारो शिष्य गुरु शिष्य या चेला रे। जितना दान देवेगे जैसा वैसा निकलेगा तेलारे बामन जाति सभी बहकावे जहत मचे बबेला रे यही यही गुरु रविदास जिनका सीधा सीधा जो संवाद है सीधा जो जिसके खिलाफ दुबे जी थे यानी कि तुलसीदास जी तुलसीदास दुबे जो कि बिल्कुल पूरी तरह से उनके खिलाफ लिखा था गुरु रविदास ने एक तरफ तुलसीदास दुबे अपने रामायण में लिखते हैं कि पूज्य विप्र सील गुण हीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीरा वहीं दूसरी तरफ गुरु रविदास कहते हैं कि रैदास बामन मत पूज्य जो होवे गुणहीन पूज्य चरण चंडाल के जो हो गुण प्रवीण एक तरफ जहां पर तुलसीदास विप्र यानी कि ब्राह्मणों को पूरी तरह से गुणहीन होने के बावजूद भी पूजनीय कहते हैं वहीं पर गुरु रविदास कहते हैं कि ब्राह्मण अगर गुणहीन है तो वह पूजने लायक नहीं है उसकी पूजा मत करो हाँ लेकिन अगर शूद्र पढ़ लिख कर अगर वो काबिल है तो उसकी पूजा कर सकते हैं आप उसको उसका सम्मान कर सकते हैं तो यहीं से शुरू हो गया था वो विवाद लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं था लेकिन जब शुद्ध पढ़ लिख गए तो और जब ये संचार होने लगा जब अवेयरनेस आने लगी तो देखिए मानना पड़ा तो हिंदुओं में सुधारवादी आंदोलन बहुत पहले शुरू हो चुका था जो जो इनकी गलतियां जो जो इन्होंने गलत गलत बातें तमाम ग्रंथों में लिख रखी थी उसको सुधार उसको पढ़ के उसको समझ के उसमें सुधार करने की कोशिश बहुत पहले से शुरू हो गई थी लेकिन जातिगत अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए इन्होंने उसको नहीं माना और उसको उसी तरह चलने दिया लेकिन कहीं ना कहीं पर आकर ये मुँह की तो खानी पड़ती और ये हुआ अब अब स्थिति ये हो गई है कि अब खुद अपने ग्रंथों को सुधारना पड़ रहा है लेकिन इस चक्कर में बड़ी गड़बड़ियाँ हो रही हैं कहीं पर अगर आपने ताड़न का अर्थ कुछ और लगा दिया लेकिन विप्रकार वही रहने दिया तो बहुत सारी बातें हैं जिसमें अभी आपको सुधार करने की ज़रूरत है बहुत सुधरने की ज़रूरत है आपको बहुत ज़्यादा सुधरने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत गड़बड़ियां हैं आपके पास में और धर्म में सुधार लाना एक बहुत ज़रूरी काम है और ये काम सिर्फ जातियों के बांटने की, की वजह से ही हुई और जातियों में आपने बांट के बहुत बड़ी गलती की है और जातियों में बांटने के साथ साथ आपने गालियां दी हैं नीच कहा है बहुत कुछ कहा है इस वजह से अब आपको सुधरना पड़ेगा सुधारवादी जो आंदोलन है इसको स्वीकार कीजिए और सुधर जाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा वैसे भी जो ईश्वर हैं जो आप कहते हैं कि ईश्वर है भगवान है तो उन्होंने ही ये कार्य हमें सौंपा है कि आप में हम सुधार लाएं और आपको जल्दी से जल्दी सुधर जाना चाहिए क्योंकि अगर नहीं सुधरेंगे तो बहुत सारी पोल खुल होगी बहुत कुछ निकलेगा बहुत कुछ खुल के आएगा और इस तरह से जैसा भागवत जी ने स्वीकार किया बहुत सारी चीज़ें आपको स्वीकार करनी पड़ेगी और ये जो आप ऊपर से मलम्मा चढ़ा रहे हैं ना हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम ये ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है क्योंकि अब लोग समझने लगे हैं और असल मुद्दा जो जातिगत जो आपका व्यवहार है जो जाति की वजह से आपने तमाम लोगों को बहुत लंबे समय तक दबाए रखा है अधिकारों से वंचित रखा है उनके उनको आगे नहीं बढ़ने दिया ये तमाम जो चीज़ें हैं ये असल मुद्दा है समझ में आ चुका है हम लोगों को और जातिगत जनगणना की बात हो रही है इसलिए अब आपको लग रहा है कि जाति हमने नहीं बनाई आप तो ये तो पता है कि जाति भगवान ने नहीं बनाई जाति आपने ही बनाई ताकि आप अपने आप को सर्वोच्च स्थान पर रख सके क्योंकि अगर भगवान ने बनाई होती तो वो सबको बराबर बनाते आपने बनाई इसलिए आपने अपने आप को ऊपर रखा और ये बात तो सर्वविदित है ये बात आ, सब समझने लगे हैं इसलिए अब आपको इस स्वीकार करना पड़ा और स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है अगर कोई गलती हो गई है तो स्वीकार कर लीजिए सुधार कर लीजिए ज़्यादा अच्छा होगा और ये भी आपके भविष्य के लिए भी बहुत अच्छी बात है वैसे भी अदानी वाला जो मसला है वो हमारा मसला नहीं है हालांकि इससे एक तरफ़ जहां एल और एस जिसमें आम लोगों का पैसा लगा हुआ है वो डूबने की स्थिति आ सकती है लेकिन वैसा होगा नहीं फिलहाल तो कम से कम इस पर हम बातचीत करने के बजाय हमें जातिगत जनगणना जनगणना पर बात करनी चाहिए क्योंकि वही हमारा असली मुद्दा है और इस मुद्दे पर आप जब तक लगे रहेंगे ये लोग सुधरते रहेंगे क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं असल मुद्दा बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम नहीं है असल मुद्दा यही है जाति और जाति इस पर अपना विमर्श इस पर अपनी चर्चा बनाए रहें क्योंकि यहीं से सब कुछ सुधर सकता है यहीं से सब कुछ ठीक करने की ज़रूरत है ये हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है वो जस्ट सिर्फ भरमाने के लिए एक बनाया गया हुआ है वरना असल मुद्दा जाति है और ये कहते हुए भागवत लगभग गिड़गिड़ा रहे हैं कि भैया धर्म छोड़कर मत जाओ जातियाँ जो है वो भगवान ने नहीं बनाई हमने बनाई गलती मान ली यानी कि ये बात वो मान के साथ ही रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि मत जाओ क्योंकि जातिगत ये जो अपमान है तमाम जो चीज़ें हैं ऊंच ऊँच नीच का भेदभाव है इससे लोग अब तंग आ गए हैं समझ में आ गया है इसलिए लोग धर्म छोड़ छोड़कर जा रहे हैं और एक तरह से जिसे ये हिंदू धर्म कहते हैं जिसे ये सनातन धर्म कहते हैं तमाम सारी बातें कहते हैं हालांकि ये तो कहीं लिखा हुआ है नहीं फिर भी इसको छोड़ छोड़ लोग दूसरे धर्म को अपना रहे हैं और यही इनकी सबसे बड़ी हार है और इससे ये डर गए हैं लेकिन बहुत देर कर दी भाई साहब आपने ये कहने में कि हमने बनाई है या भगवान ने नहीं बनाई हमसे गलती हो गई ये स्वीकार करने में आपने बहुत देर कर दी क्योंकि लोगों ने पेरियार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तमाम लोगों की बात मानकर अब आपके धर्म से नाता तोड़ने की सोच ली है सब लोग वहाँ से दूर जा रहे हैं आपने तो बहुत कोशिश की थी कि शिक्षा न दी जाए इन लोगों को लेकिन महात्मा फुले शाहू महाराज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने ये सब व्यवस्था कर दी कि लोग शिक्षित हो गए और शिक्षित हो गए तो आपके धर्म ग्रंथों को पढ़ लिया धर्म ग्रंथों को पढ़ लिया तो तमाम उसमें जो खामियां हैं वो सबके सामने उजागर करने लगे और अब आप डर गए कि अगर सारी बातें सामने खुल जाएंगी पोल खुल जाएगी तो हमारा धंधा तो वैसे ही चौपट हुआ जा रहा है धर्म भी चौपट हो जाएगा लोग छोड़ छोड़ कर चले जाएंगे अब आपको डर लग रहा है इसलिए आपने कह दिया कि ये जो जातियां हैं वो भगवान ने नहीं बनाई पंडितों ने बनाई तो अब अब जब समझ में आ गया है तो कम से कम अब इस जाति व्यवस्था को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए और ये कोशिश कीजिए कि जो आपने अपने लिए ऊपर उहदा बना रखा है तमाम लोगों को उसदे तक लाने का प्रयास कीजिए वहाँ पर पहुँचाइए ताकि सब बराबर हो जाए आप वहाँ मत जाइए नीचे आपको नीचे आने के लिए कोई नहीं कह रहा मत जाइए गटर साफ करने मत जाइए आप झाड़ू लगाने लेकिन आप एक काम कीजिए कि जहाँ आप हैं यानी कि तमाम वो पद जिनको आपने इतने सालों में हासिल कर रखा है वहाँ तमाम लोगों को आने दीजिए वहाँ आने की व्यवस्था होने दीजिए ताकि सब एक जैसे, एक जैसे एक जैसे एक बराबर हो जाए तब फिर बात कीजिएगा रोटी बेटी का व्यवहार करने से ही बात नहीं होती है बात इससे बहुत आगे है